हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई एम तान्या गोयल फ्रॉम प्रतियोगिता मंत्रा। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे एसआई यूनिट्स और उनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एक काम करिए, अपनी नोटबुक लाइए और पेन लेके बैठ जाइए। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी साथ में, आप सब कुछ नोट करते चलेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी ही इन्फॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, और बीच बीच में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी करूंगी, आप उनका रिप्लाई करेंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और ये वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एमसीक्यूज भी कराऊंगी। ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, रिविजन तो एमसीक्यूज होंगे वो। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर। चलिए, हमें पढ़ना है एसआई यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज यूनिट? यूनिट क्या होती है, हमें क्यों चाहिए यूनिट, काम क्या है इसका? तो भाई, यूनिट क्या होती है? स्टैंडर्ड विच इज यूज फॉर मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? यूनिट। ठीक है, अब जैसे ये पेन देखिए आप, ये क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसको मेजर करने के लिए हमें कोई भी यूनिट चाहिए होगी। क्यों क्यों चाहिए होगी? मैं आपसे कहूँ आप इसका वेट बताओ मुझे, ठीक है, तो आप क्या कहोगे? इसका वेट 100 ग्राम्स है या 200 ग्राम्स है ना? आप ग्राम लगाओगे। क्यों? क्योंकि वो इसकी यूनिट है। अगर आप ग्राम नहीं लगाओगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आप वेट बता रहे हो इसका, है ना? या मैं अगर आपसे इसकी लेंथ पूछूं तो आप क्या कहोगे? 10 सेंटीमीटर, 10 इंच, 10 फीट, ऐसे करके कहोगे ना? तो उससे मुझे पता चलेगा कि ये लेंथ है इसकी। अगर आप मुझे सीधे ही बता दो कि मैम इसकी 2 है, बस 2 कह दो, तो मुझे क्या पता चलेगा कि इसका वेट है या इसकी लेंथ है, क्या है? आपको कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा ना, किलोग्राम, ग्राम, सेंटीमीटर, इंच, ये सब लगाना पड़ेगा ना। तो वो क्या है? वो यूनिट है। यूनिट की वजह से ही हमें पता चलता है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें यूनिट चाहिए होती है। चलिए, अब क्या है? वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू नंबर इनटू यूनिट। जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी? जो नंबर है मल्टीप्लाइड बाय इट्स यूनिट। अब जैसे मैंने इसकी लेंथ पूछी आपसे, ठीक है, तो अगर इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है मान लो, ठीक है, तो 10 क्या हो गया? हमारा नंबर हो गया, और सेंटीमीटर क्या हो गई? हमारी यूनिट। तभी हम कहेंगे ना कि 10 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू है फिजिकल क्वांटिटी की। इस पेन की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, जो कि इसकी लेंथ है ना? तो वो हो गई वैल्यू। ठीक है, ये तो हो गई बात यूनिट की। अब यूनिट कितने टाइप्स की होती है? यूनिट होती है 2 टाइप्स की, फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, बेसिक यूनिट्स। ठीक है, बेस यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑन वन अनदर, मतलब बेसिक यूनिट्स जो कि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हो। अब आप ऐसे समझो, जैसे कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, या फिर कहें ह्यूमन लाइफ के लिए, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है? बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? हवा, पानी, ये सब बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ना, जो कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। इसी टाइप से बेसिक क्वांटिटीज, ठीक है, उनको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, जो कि इंडिपेंडेंट ऑन वन अनदर होती हैं। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स होती कितनी है? ये होती है हमारी 7। कितनी होती है? 7। ठीक है, ये तो हो गई फंडामेंटल। अब आती है डिराइव्ड। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं? डिराइव्ड यूनिट्स आर द यूनिट्स विच आर द प्रोडक्ट और डिवाइड ऑफ पावर्स ऑफ बेस यूनिट्स। ठीक है, जो बेस यूनिट्स हैं उनको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, एज अ रिजल्ट जो भी आपकी यूनिट मिलती है वो होती है डिराइव्ड यूनिट। यानी कि आप बेस यूनिट्स पर कोई भी कॉम्बिनेशन बिठाओ, चाहे मल्टीप्लाई कर दो, चाहे डिवाइड कर दो, कुछ भी वर्क करो उस पर, तो उसके बाद जो हमें यूनिट मिलेगी वो होगी डिराइव्ड यूनिट। समझ आ गया? ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ग्लोबली कौन कौन से सिस्टम्स एक्सेप्टेड हैं। बहुत सारे सिस्टम्स हैं, ठीक है, उसमें से इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम्स कौन कौन से हैं? सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एसआई यूनिट्स। यहाँ पे हमें केवल एसआई यूनिट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो एसआई यूनिट है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे एस कैपिटल है, आई कैपिटल है, इसका मतलब इसकी फुल फॉर्म तो होगी होगी, है ना? तो आप इसमें देखो नहीं, मुझे पहले बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, एसआई की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, जल्दी से बताओ, कमेंट करो जल्दी से, एसआई की फुल फॉर्म क्या होती है? एसआई की फुल फॉर्म होती है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब आप कहोगे कि मैम ये तो बहुत ही अजीब सी लग रही है, हमें तो लगा था कि शुरू में एस आएगा, बाद में आई आएगा और उससे कोई फुल फॉर्म बनेगी। तो हाँ, आप सही कह रहे हो, क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो फ्रेंच ओरिजिन है। इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड सिस्टम इंटरनेशनल। यहाँ पे देख रहे हो एस और यहाँ पे देख रहे हो आई, तो ये इससे लिया गया है, इसलिए इसका नाम एसआई यूनिट पड़ा है। लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में बात करेंगे तो इंग्लिश में से हम बोलते हैं द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ
यूनिट्स। ठीक है, समझ आ गया इतना। चलिए अब देखते हैं सॉरी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी एसआई यूनिट्स। यहाँ पे हमने कितनी फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी, 7। ठीक है, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं, ये लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इस चीज से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, वो ऑप्शन दे देगा आपको कई सारे, उनमें से एक ऑप्शन होगा इनमें से। ठीक है, तो आप वो ऑप्शन हमारा सही होगा, उस पर आप टिक कर दोगे। ठीक है, या फिर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, कई सारे ऑप्शन दे देगा, फिर आपको देखना होगा कि कौन सी इसमें से फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, समझ आ गई इतनी चीज। अब हम देखते हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनकी एसआई यूनिट देखेंगे और इनका सिंबल देखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बताती जाऊंगी, मेरे लिखने से पहले आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा कि क्या है, अगर आपको पता है तो। ठीक है, चलिए रेडी रहे। फिर लेंथ देखते हैं। सबसे पहले लेंथ है हमारी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बताइए जल्दी से, कमेंट करिए। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। क्या होती है, मीटर। और इसको हम सिंबलाइज किससे करते हैं, स्मॉल एम से। ठीक है, ये पता है सबको। नेक्स्ट है मास। मास की एसआई यूनिट क्या होती है बताइए, मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम। ठीक है, इसको हम सिंबलाइज किससे करते हैं, केजी से। ठीक है, अब जब मास की बात आ रही है तो आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास क्या होती है। भाई मास की यूनिट तो बहुत सारी होती है ना, ग्राम हो गई, किलोग्राम हो गई, क्विंटल हो गई। ठीक है, अब जैसे आपको पता है ग्राम छोटा है, किलोग्राम बड़ा है, तो इसी टाइप से आप मुझे बताओ मास की लार्जेस्ट यूनिट कौन सी होती है, जल्दी से बताओ, टाइम दे रही हूं मैं आपको। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास होती है चंद्रशेखर लिमिट। क्या होती है, चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, शॉर्ट में हम क्या लिख देते हैं इसको, CSL। ठीक है, अब 1 CSL क्या होता है, 1 CSL इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ सन। देख रहे हो आप, भाई हमारा सन कितना हैवी है, कितना बड़ा है ना हमारा सन, कितना हैवी है, उसका मास कितना ज्यादा होगा, उसका भी लगभग 1.5 गुना होता है ये CSL। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी बड़ी यूनिट होती है ये मास की, है ना। चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं, टाइम। टाइम क्या है, टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है बताओ जल्दी से, मिनट होती है, आर होती है, सेकंड होती है, क्या होती है बताओ। टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड। ठीक है, और डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल एस से। ठीक है, फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल ए से। ठीक है, अब आता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि नॉर्मली हम डिग्री सेंटीग्रेड या फिर फ़ारेनहाइट पढ़ते हैं। अब आप जल्दी से बताओ डिग्री सेंटीग्रेड होती है क्या या फिर फ़ारेनहाइट होती है क्या टेम्परेचर की एसआई यूनिट, नहीं, टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन। क्या होती है, केल्विन। डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल के से। ठीक है, फिर आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कैंडेला। याद रखेंगे इसे, क्या होती है, कैंडेला। ये इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी स्मॉल डी से। ठीक है, फिर आता है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बताओ जल्दी से, इसकी एसआई यूनिट होती है मोल। ठीक है, डिनोट करते हैं MOL इससे। ठीक है, इतना समझ आ गया सबको। ठीक है, आगे चले फिर। चलिए आप नोट कर रहे हैं ना साथ के साथ ये, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमने जो पीछे पढ़ी थी वो क्या थी हमारी, वो फंडामेंटल यूनिट्स थी, कितनी थी, 7। ठीक है, अब पढ़ेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, उनको प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई करके जो हमने क्वांटिटीज बनाई है डिराइव्ड क्वांटिटीज, वो ये सारी है। इसमें से इंपॉर्टेंट मैंने ये लिख रखी है यहाँ पे, अब मैं पढ़ती जाऊंगी, हाथ के हाथ ऐसा यूनिट लिखूंगी, आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहेंगे क्या क्या ऐसा यूनिट है। ठीक है, सबसे पहले है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल की ऐसा यूनिट क्या होती है बताइए, इसकी होती है रेडियन। क्या होती है, रेडियन। डिनोट किससे करते हैं, आर ए
डी, ठीक है। फिर आती है फ्रीक्वेंसी, इसकी क्या होती है ऐसा यूनिट, इसकी होती है हर्ट्ज। क्या होती है? HERTZ, इसको डिनोट करते हैं HZ से। अच्छा एक बात और, ये आप फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो आपके जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, बट साथ में आपके रीजनिंग में भी काफी काम आता है ये, क्योंकि रीजनिंग में कई बार वो क्या करता है, ऐसा यूनिट दे देगा एक साइड और एक साइड दे देगा क्वांटिटीज, ठीक है। अब वो कॉम्बिनेशन पूछेगा कौन सा कॉम्बिनेशन इसमें से करेक्ट है या गलत है, ठीक है, उस टाइप से आपको मैच करना होता है, तो इसके लिए आपको ये सब पता होना जरूरी है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्स। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन, ये तो पता होगा सबको, न्यूटन होती है ना। डिनोट किससे करेंगे? डिनोट करेंगे कैपिटल एन से। अब ये तो हो गई ऐसा यूनिट, ठीक है, तो ये भी किसी ना किसी बेस यूनिट से बन के बनी होती है ना, तो इसकी बेस यूनिट क्या होगी? बेस यूनिट भी काफी इंपॉर्टेंट होती है, इस टाइप से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। न्यूटन की बेस यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको आप किलोग्राम मीटर एस की पावर -2 भी कह सकते हैं, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन की होती है, ठीक है। फिर आता है हमारा प्रेशर। प्रेशर की क्या होती है ऐसा यूनिट? प्रेशर की होती है बताइए पास्कल, ठीक है। डिनोट किससे करेंगे? पी ए, ठीक है। सिमिलरली इसकी क्या होती है बेस यूनिट बताइए जल्दी से? किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, ये होती है हमारी पास्कल की, ठीक है। फिर आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस की क्या होती है ऐसा यूनिट बताइए? स्ट्रेस की ऐसा यूनिट भी पास्कल ही होती है। क्या होती है? पास्कल, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, इसकी यूनिट भी यही है, ठीक है। फिर आता है एनर्जी। एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है? एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है जूल, ठीक है। डिनोट किससे करेंगे? कैपिटल जे से। और इसकी बेस यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आ गया इतना? चलिए आगे देखते हैं वर्क। वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है? वर्क की ऐसा यूनिट भी जूल ही होती है, ठीक है। क्या होती है? जूल ही होती है इसकी भी, ठीक है। फिर आता है हमारा अमाउंट ऑफ हीट। अमाउंट ऑफ हीट की ऐसा यूनिट क्या होती है? इसकी भी जूल होती है, ठीक है, इसकी भी जूल ही होती है। फिर आता है हमारा पावर। पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है बताइए जल्दी से? पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट। डिनोट किससे करेंगे? कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक है। और इसकी बेस यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर एस की पावर -3, ठीक है। ये हो गई हमारी पावर की ऐसा यूनिट और उसकी बेस यूनिट। फिर आता है रेडिएंट फ्लक्स। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? इसकी ऐसा यूनिट भी वॉट ही होती है, ठीक है, इसकी भी वॉट होती है। फिर आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इसकी क्या होती है? इसकी होती है कूलम। क्या होती है? कूलम, ठीक है। डिनोट किससे करेंगे? कैपिटल सी से। फिर आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी क्या होती है? वोल्ट, कैपिटल वी, ठीक है। फिर है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसकी क्या होती है? इसकी भी वोल्ट ही होती है, ठीक है। हो गया इतना, आगे चले। अब है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की क्या होती है यूनिट? फेरेड। क्या होती है? फेरेड, FARAD, डिनोट करेंगे कैपिटल एफ से, ठीक है। फिर है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इसकी क्या होती है बताइए? इसकी होती है ओम, ठीक है। और डिनोट कैसे करते हैं? ये इसका ये सिंबल होता है, ठीक है। फिर है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। इसकी क्या होती है? इसकी होती है सीमेंस, ठीक है। और सीमेंस की स्पेलिंग होती है SIEMENS, डिनोट किससे करेंगे? कैपिटल एस से। फिर है मैग्नेटिक फ्लक्स। इसकी क्या होती है? वीबर। क्या होती है? वीबर, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल बी से। फिर आता है हमारा इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की क्या होती है? हेनरी। क्या होती है? हेनरी, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल एच से। फिर आता है हमारा ल्यूमिनस फ्लक्स। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है बताओ जल्दी से? ल्यूमेन। क्या होती है? ल्यूमेन, डिनोट किससे करेंगे? एल एम, ठीक है। फिर आता है इल्यूमिनेंस। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है?
लक्स क्या होती है? लक्स डिनोट किससे करेंगे? एल एक्स। ये सारी हो गई हमारी इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। अब आप इनको अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये जो नेम्स होते हैं ना, स्पेशली इधर साइड के जो नेम्स लिखे हैं, इनमें अधिकतर आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है? तो इनको अच्छे से याद करना, ठीक है? चलिए अब आगे देखते हैं। अब एक बात बताओ, ये सब कौन डिसाइड करता है कि भाई कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की क्या यूनिट होगी, कैसे मेजर करेंगे, क्या होगा, कौन डिसाइड करेगा? कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बॉडी तो होगी ना इस चीज के लिए, है ना? तो इंटरनेशनल लेवल पर एक होगी और अपने नेशनल लेवल पर, यानी कि इंडिया में एक होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर कौन सी बॉडी है। ये है BIPM, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। क्या है ये? ये है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू डिसाइड ऑन मैटर्स रिलेटेड टू मेजरमेंट साइंस एंड मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स, ठीक है? तो कोई भी मैटर है, हमें कैसे मेजर करना है, क्या स्टैंडर्ड रखना है, किस तरीके से होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा BIPM। और ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश हुआ था? इट वॉज एस्टेब्लिश बाय मीटर कन्वेंशन। एक मीटर कन्वेंशन हुआ था, उसके चलते इसे एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है? अब ये तो हो गई ग्लोबल लेवल पे बात। अब आप बताइए, इंडिया में कौन देखता है इस चीज को? इंडिया में है हमारा NPL, ठीक है? जिसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। तो ये क्या है? इंडियाज मेजरमेंट बॉडी। इंडिया के लेवल पर जो भी डिसीजंस होते हैं मेजरमेंट के, वो कौन लेता है? NPL लेती है। समझ आ गया इतना? नेक्स्ट देखें फिर। चलिए, अच्छा, अनअकैडमी का कोर्स अगर आपको लेना है, तो यहाँ पे आपको प्रतियोगिता मंत्रा का कोड दिख रहा होगा स्क्रीन पर, वो डिस्काउंट कोड है, उसको अप्लाई करिएगा तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? चलिए अब देखते हैं इंफॉर्मेशन आगे की। ये है, ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और ये रिसेंट हुआ है, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है? 4 out of 7 बेस यूनिट्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट हैव बीन रेडिफाइंड एंड कम इन टू इफेक्ट ऑन 20th May 2019। क्या हुआ है भाई? 7 बेस यूनिट्स मैंने आपको बताई थी, जल्दी से बताओ मुझे पहले 7 बेस यूनिट्स कौन कौन सी थी? स्टार्टिंग में बताई थी मैंने आपको 7 बेस यूनिट्स होती हैं, कौन कौन सी थी वो बताओ? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये थी हमारी 7 बेस यूनिट्स, ठीक है? इनमें से 4 यूनिट, ठीक है, 4 जो थी उनको हमने फिर से डिफाइन किया किया है। रीडिफाइन का मतलब फिर से डिफाइन किया, जो पहले डेफिनेशन थी वो कैंसिल करके हमने दूसरी डेफिनेशन लिख दी है। कब से हुआ है ये? 20th May 2019। तो सबसे पहली बात, कौन कौन सी 4 यूनिट्स हैं जिनको हमने रीडिफाइन किया है ना? 4 हैं, कौन कौन सी हैं वो? किलोग्राम, किलोग्राम किसकी है? मास की है ना। दूसरी है केल्विन, केल्विन किसकी है? टेम्परेचर की। तीसरी है मोल, मोल किसकी है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और चौथी है एम्पियर, एम्पियर किसकी है? इलेक्ट्रिक करंट की। इन 4 यूनिट्स को हमने रीडिफाइन किया है। कब किया है ये? कब से इफेक्ट में आया है? 20th May 2019। अब ये बताओ जरा, 20th May ही क्यों करा? उसी दिन क्यों करा भाई? किसी भी दिन कर सकते थे ना आप, कोई ना कोई स्पेशलिटी तो होगी ना कि हमने 20th May को ही करा। क्यों किया 20th May को? क्योंकि 20th May को होता है, कौन सा दिन होता है जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। 20th May को होता है हमारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। कौन सा होता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। इसी दिन मीटर कन्वेंशन हुआ था, जिसके चलते इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था, BIPM, ठीक है? अब सबसे पहली बात, हमने रीडिफाइन किया है तो क्यों किया है भाई? हमें क्या जरूरत पड़ गई? हमने रीडिफाइन क्यों किया है? जैसे चलता आ रहा था वैसे चलते रहने देते हैं ना भाई, तो हमने क्यों किया है? अब आप क्यों किया है सबसे पहले जानना होगा। तो पहले होता क्या था, ठीक है? पहले क्या था, एक बिग के नाम से, बिग के कह लो या फिर लीग रैंक के कह लो या फिर इंटरनेशनल प्रोटोटाइप किलोग्राम कह लो, ये क्या है? ये एक प्लेटिनम और इरिडियम का एलॉय है, ठीक है? किस फॉर्म में है? सिलिंड्रिकल फॉर्म में है ये, इतना बड़ा आप मान लो, इतना है सिलिंड्रिकल फॉर्म में, ठीक है? एक फिजिकल ऑब्जेक्ट समझ लो। उसको क्या किया गया? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ये फ्रांस में लोकेटेड है, वहां पे इसको रख दिया गया। ये 1 किलोग्राम का था, हम यहाँ पे किलोग्राम के उसमें पढ़ रहे हैं, तो ये 1 किलोग्राम का था, ये वहां पे रख दिया फ्रांस में, कि भाई हम इसको ही एज्यूम करेंगे, ये इसको ही हम कंसीडर करेंगे जब भी हमें कोई वेट करना होगा, ये हमारा 1 kg है, ठीक है? और उसकी कई सारी कॉपीज अलग अलग कंट्रीज में भी दे दी गई, इंडिया में भी एक दे दी गई, ठीक है? सबने अपने अपने पास रख लिया। अब
आप ये बात बताओ, मैं अगर ये पेन यहाँ पे रख देती हूँ तो अभी तो इसके वेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं इसको रखा रह दूँ, ये रखा रहे बहुत सालों तक, ये रखा रहे ऐसी, तो इस पे धूल मिट्टी भी लगेगी, तो इसका वेट इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, यानी कि इसका वेट यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। अगर इसका वेट अभी सॉरी 100 ग्राम है तो वो 100 ग्राम नहीं रहेगा, तो क्योंकि मैनमेड ऑब्जेक्ट है ना भाई, मैनमेड ऑब्जेक्ट है तो पॉल्यूशन के चलते या किसी के भी चलते उसमें चेंजेस तो आ ही सकते हैं उसके वेट में। सिमिलरली क्या हुआ, वहां पे जो रखा हुआ था, हालांकि वो बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा हुआ था, उसपे वो सिलिंड्रिकल बॉडी थी सॉरी, उसके ऊपर उन्होंने एक कांच का ग्लास लगा रखा था प्रोटेक्शन के लिए, उसके ऊपर एक और कांच का ग्लास रखा हुआ था, बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा हुआ था, बट स्टिल है तो वो मैनमेड ही, तो चेंजेस तो आएंगे। अब आप ये सोचो 1889 में रखा हुआ था, तो 2019 तक कितने सारे साल हो गए, तो इतने साल में हवा तो कहीं से भी घुस जाती है ना, तो कुछ भी इफेक्ट पड़ सकता है उस पर, ड्यू टू पॉल्यूशन या और एनी अदर रीजन। तो उसमें क्या देखा गया अभी कि उसमें वेट में चेंजेस आ गए, उसका वेट कम हो गया, कितना कम हुआ, 50 माइक्रोग्राम। अब आप कहोगे 50 माइक्रोग्राम तो बहुत ही कम वेट होता है मैम, इसके लिए इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी, है ना भाई, सही बात है ना, लेकिन नहीं, 50 माइक्रोग्राम वैसे तो आप देखोगे तो बहुत कम है, एक आईलैश का वेट होता है उससे भी कम है, लेकिन हमारे लिए ही कम है, बट साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सोचो, वो बहुत कम नहीं है, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही काफी डिफरेंस पैदा करेगा, जो यूनिट्स हैं, जो मेजरमेंट्स हैं, जो कैलकुलेशंस हैं, जो साइंटिफिक डेटा है, उसमें बहुत सारा फर्क पड़ेगा, तो इसके लिए हमें इसको रीडिफाइन करना पड़ा। अब ये तो हम रीडिफाइन करना है, इतना हमें पता चल गया कि भाई हमें रीडिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी वेट अगर चेंज होगा, तो फिर ऐसी क्या चीज लें कि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो, हमें बार बार रीडिफाइन ऐसे ना करना पड़े, ठीक है, इसके लिए हमें कोई चीज चाहिए जो कि कभी चेंज ना हो, जो कि कॉन्स्टेंट हो, ठीक है। तो अब देखो न्यू डेफिनेशन ऑफ किलोग्राम ये किसके बेसिस पर है, इट विल बी बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। अब आप देखो नेम में ही कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब ये कभी भी चेंज नहीं होगा, इसको जब न्यू डिफाइन किया गया तो ये प्लैंक्स कॉन्स्टेंट के डेफिनेशन के बेसिस पर किया गया। अब प्लैंक्स कॉन्स्टेंट क्या है, अ कॉन्स्टेंट ऑफ नेचर दैट रिलेट्स टू हाउ मैटर रिलीजेस एनर्जी, ठीक है, मैटर एनर्जी कैसे रिलीज करता है उसके रिलेशनशिप को बताता है ये, या फिर ये कहें कि इट रिलेट्स द एनर्जी कैरीड बाय अ फोटोन टू इट्स फ्रीक्वेंसी। फोटोन क्या होता है, जल्दी से बताओ फोटोन क्या होता है भाई, लाइट देखी है आपने, लाइट क्या है, लाइट इज अ पैक ऑफ फोटोन्स, ठीक है, तो वो फोटोन जो एनर्जी कैरी करता है और जो फ्रीक्वेंसी है उसमें रिलेशन कौन बताता है हमारा, उसमें रिलेशन बताता है हमारा प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये आपने इक्वेशन भी कई बार लिखी देखी होगी, ई इज इक्वल टू एच न्यू, ये बताता है ई यहाँ पे क्या है, ई इज द एनर्जी, एच इज द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और प्लैंक्स कॉन्स्टेंट को हम डिनोट किससे करते हैं, डिनोट करते हैं हम एच से, एच की वैल्यू क्या है, 6.626 × 10⁻²⁴ m² kg/s, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, कई बार पूछ लिया जाता है ये भी, तो इसकी डेफिनेशन के बेसिस पर किलोग्राम की नई डेफिनेशन बनाई गई, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंट हो गया हमारा, अब आप कहोगे ठीक है चलो हमने किलोग्राम की बना दी, अब आप पूछोगे मैम पहले कभी ऐसा हुआ है क्या, तो हाँ भाई हुआ है, पहले मीटर था, मीटर को हम पहले कैसे मेजर करते थे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एक बिग के नाम से सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है वो रखा गया है, ऐसी एक बार रखा हुआ था लेंथ मेजर करने के लिए, ठीक है, तो वो भी एक मैन मेड ऑब्जेक्ट था, उस पे भी चेंजेस आ सकते थे, तो इसलिए मीटर को हमने कैसे डिफाइन करना शुरू किया, इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट तो आप सबको पता है कॉन्स्टेंट होती है ना, आप यहाँ पे हो, इंडिया में हो, या यूरोप में हो, या यूएसए में हो, कहीं भी हो, या अर्थ पे हो, या मार्स पे हो, जुपिटर पे हो, कहीं भी हो, स्पीड ऑफ लाइट तो वही रहेगी ना, वो चेंज थोड़ी ना होगी, तो हमने मीटर को स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स में डिफाइन किया, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कॉन्स्टेंट है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। ये हो गई किलोग्राम की बात, मीटर की बात, और यहाँ पे हमने कौन कौन से चेंजेस किए थे, किसमें, किलोग्राम में, केल्विन में, मोल में और एम्पियर में, किलोग्राम की तो बात कर ली, अब देखते हैं एम्पियर में, ठीक है, एम्पियर को किस कॉन्स्टेंट के बेसिस पर डिफाइन किया, एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज। अब एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज इज द चार्ज कैरीड बाय अ सिंगल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल प्रोटॉन है या फिर इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना चार्ज है वो होता है एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज सॉरी। फिर आता है हमारा केल्विन, केल्विन को रीडिफाइन किस बेसिस पर किया गया, बोल्ट्जमैन
कांस्टेंट के बेसिस पर, ठीक है। इसमें देखो नाम में ही कांस्टेंट है इसमें भी, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, के बी से, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता क्या है बताओ? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रिलेट्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस पार्टिकल्स विद द टेम्परेचर ऑफ गैस। कोई भी गैस है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, गैस पार्टिकल्स, उनमें काइनेटिक एनर्जी होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी और जो गैस का टेम्परेचर है उनके बीच में जो रिलेशन बताता है वो कौन बताता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। समझ आ गया इतना? आगे देखें फिर। अब मोल को न्यू डेफिनेशन किस बेसिस पर दी गई? वो दी गई एवोगैड्रो कांस्टेंट के बेसिस पर। एवोगैड्रो कांस्टेंट को डिनोट किससे करते हैं? एन ए से। एवोगैड्रो कांस्टेंट होता क्या है? इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंटेन्ड इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, उसका आप 1 मोल लो, उसमें कितने पार्टिकल्स हैं वो क्या बताता है, वो क्या होता है? एवोगैड्रो कांस्टेंट। समझ आ गया इतना सबको? जब इतना समझ आ गया तो मुझे जल्दी से ये बताओ कि जो पहले डेफिनेशंस हुआ करती थी पहले की एसआई यूनिट्स की, और जो अब न्यू डेफिनेशन है एसआई की यूनिट्स की, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बताओ जल्दी से डिफरेंस क्या है भाई? जो पहले की एसआई यूनिट्स थी वो डिपेंड करती थी बेस यूनिट्स पर। किस पर डिपेंड करती थी? बेस यूनिट्स पर, ठीक है। और जो अब एसआई यूनिट्स हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं? वो डिपेंड करती हैं फिजिकल कांस्टेंट पर। ये हमने कांस्टेंट लिया ना, स्पीड ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक चार्ज, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एवोगैड्रो कांस्टेंट या प्लैंक्स कांस्टेंट, तो फिजिकल कांस्टेंट्स पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। अब ये बताओ कि इसका फायदा क्या हुआ हमें ये सब करने का? बताओ फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ एक्यूरेसी। पहले उसके वेट में चेंजेस आ रहे थे जिसकी वजह से कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम होती है ना, लेकिन अब ये कांस्टेंट हो गया, अब उसके वेट में कोई चेंज नहीं आएगा। अब अगर 1 किलोग्राम लिखा है तो 1 किलोग्राम ही रहेगा। पहले चाहे भले ही आपको 1 किलोग्राम लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली वो 1 किलोग्राम से ज्यादा ही कम हो सकता था, तो इसलिए अब इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी ये बहुत जरूरी था, ठीक है। इतना समझ आ गया सबको? आगे चले फिर। चलिए अब हम देखते हैं कुछ एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज आप सॉल्व करेंगे, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, आपको तुरंत ही कमेंट सेक्शन में जाके उसका आंसर लिखना है, प्लस आप अपना स्कोर कैलकुलेट करेंगे। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो आपका स्कोर 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। और जिसका जितना स्कोर रहेगा, कितना भी हो जाए वो, 5, 4, 3, 2, 1, कितना, 5 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, मैक्सिमम इज 5 स्कोर, कितना भी हो कमेंट सेक्शन में जाके आपको जरूर लिखना है, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा आपने कितना सीखा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स की बेस यूनिट क्या है? ऑप्शन क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। बताओ जल्दी से कमेंट करो क्या है फोर्स की बेस यूनिट? करेक्ट आंसर इज बी। फोर्स की बेस यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा ये तो बेस यूनिट हो गई, अब जल्दी से मुझे बताओ एसआई यूनिट क्या होती है फोर्स की? फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन, ठीक है, याद आ गया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, वॉट इज द एसआई यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से किसकी एसआई यूनिट वॉट होती है बताओ जल्दी से। ऑप्शंस आर स्ट्रेस, मैग्नेटिक फ्लक्स, रेडिएंट फ्लक्स और इल्यूमिनेंस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रेडिएंट फ्लक्स। रेडिएंट फ्लक्स की एसआई यूनिट होती है वॉट। चलो अब ये बताओ स्ट्रेस की एसआई यूनिट क्या होती है? इसमें आप देखो साथ साथ कितने सारे क्वेश्चंस कवर होंगे, कहने को 5 क्वेश्चंस है बट साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे आपके। स्ट्रेस की एसआई यूनिट होती है पास्कल। क्या होती है? पास्कल। मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है? वीबर। इल्यूमिनेंस की क्या होती है? लक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखें फिर, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस? इंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ऑप्शंस आर हेनरी, ओम, लक्स एंड वीबर। जल्दी से बताओ क्या होती है? करेक्ट आंसर इज हेनरी। क्या होती है? हेनरी होती है। चलो इंडक्टेंस की तो हेनरी हो गई, अब ये मुझे बताओ ओम किसकी होती है? ओम होती है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की। लक्स किसकी होती है? लक्स होती है इल्यूमिनेंस की, यहां पे भी देखा था। वीबर किसकी होती है? वीबर होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, ठीक है। नेक्स्ट देखें, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आर 10th जनवरी, 16th सितंबर, 22nd अप्रैल एंड 20th मई। जल्दी से बताओ किस दिन मनाया जाता है?
करेक्ट आंसर इज 20 मई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छा अब ये तो पढ़ लिया आपने 20 मई को मनाया जाता है। अब ये मुझे बताओ कि मेट्रोलॉजी क्या होता है, मेट्रोलॉजी से क्या मतलब है बताओ। मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट की स्टडी जो होती है उसको हम बोलते हैं मेट्रोलॉजी। ठीक है, अब ये बताओ 10 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है। 10 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे हम मनाते हैं 10 जनवरी को। और हिंदी दिवस कब मनाते हैं, हिंदी दिवस हम मनाते हैं बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कब मनाते हैं। ठीक है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूं। फिर है 16 सितंबर, 16 सितंबर कौन सा डे मनाते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे। ठीक है, क्या मनाते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे। ओजोन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, O3। ठीक है, फिर है 22 अप्रैल, इस दिन कौन सा दिन होता है, अर्थ डे। ठीक है, नेक्स्ट देखें, लास्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज दैट ऑफ द प्रेशर। प्रेशर की जो यूनिट है वो ही इनमें से किसकी यूनिट है। ऑप्शंस आर वर्क, स्ट्रेस, कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन समझे आप भाई, प्रेशर की जो भी यूनिट है मान लो एक्स यूनिट है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसकी यूनिट एक्स है। ठीक है, जल्दी से बताओ कमेंट करके कौन सा ऑप्शन है करेक्ट। द करेक्ट ऑप्शन इज स्ट्रेस। क्यों है स्ट्रेस, प्रेशर की क्या होती है यूनिट, प्रेशर की होती है पास्कल। ठीक है, और स्ट्रेस की भी क्या होती है, स्ट्रेस की भी पास्कल होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। अब बताओ वर्क की क्या होती है, जल्दी से बताओ, वर्क की होती है जूल, कैपेसिटेंस की क्या होती है फेरेड, और फ्रीक्वेंसी की क्या होती है हर्ट्ज। ठीक है, समझ आ गया सबको, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।